हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ये मूवी आए हैं फ्रेंड्स, राम सेतु, और ये मैं और रश्मि आए हैं। आज मामा का कुछ काम था तो नहीं आ पाई, और सबसे पहले हम लोग जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खाना खा के नहीं आए हैं। भूखकर लोग तो हैं ही हम लोग, तो बाहर से ही खाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, पिज़्ज़ा सैंडविच ऐसे एक एक सारा मतलब ऑर्डर कर दिए, और ये वहाँ पे ही हॉल में हम लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे बस भैया के पास छुट्टा नहीं था तो मैं उनको बोल रही थी कि मेरे पास भी छुट्टा नहीं है, तो बस वही है, रश्मि ये कैप्चर कर रही थी। तो उसके बाद हम लोग, वैसे तो हम लोग जल्दी चले गए थे फ्रेंड्स क्योंकि पिक्चर्स एक दो खींचना था, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम लोग फ़ोटो नहीं लिए एक दूसरे का। और यहाँ पे धूप हो रहा था दिन में, मुझे लगा कि थोड़ा सर्दी होगा क्योंकि वरुण और मैं जो जिस दिन आए थे ना मूवी, उस दिन बहुत ठंड था। लेकिन वैसे तो ये 1 बजे का टाइम है तो अंदर भी एसी में, लेकिन ज़्यादा ठंड था, लेकिन इस बार इतना नहीं था ठंड। ठंड क्या होगा, दिमाग गर्म की वजह से गर्मी ही हो गई हम लोगों को। और हम लोग यहाँ पे कुछ चिप्स भी लेके गए थे ऊपर, और ये मैडम विक्टोरिया हैं, इनके लिए मैंने लिया था ये, मैंने नहीं पिया ये क्योंकि वरुण देखते हैं ना मुझे डांटते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पिया है तूने करके, मैंने नहीं लिया था ये, रश्मि ने ही पिया था। और यहाँ पे हॉल में बैठ के हम लोग बस, मूवी तो स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, तो हम लोग बस बातें कर रहे थे, थोड़ा शूट कर लिए, थोड़ा पिक्चर्स भी ले लिए, एक दो फ़ोटो ले लिए। तो बस यहाँ पे मूवी स्टार्ट हो के ये इंटरवल हुआ है फ्रेंड्स। इतना घटिया मूवी ना फ्रेंड्स, फर्स्ट हाफ हम लोगों का इतना गंदा गया है। हम लोग तभी से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन चलो ठीक है, सेकंड हाफ में कुछ दिखने को मिलेगा। लेकिन ये मूवी एंड भी हो गया फ्रेंड्स और हम लोगों को इतना गंदा लगा, 2-3 बार मैं और रश्मि तो सोच रहे थे कि चलो उठो यार चलते हैं, क्योंकि खाना इतना घटिया था आज यार। सैंडविच लाए थे, सैंडविच में पता नहीं यार अचारी फ्लेवर कहाँ से आ गया सैंडविच में, इतना गंदा मतलब फ्लेवर था ना वो सैंडविच का, सीरियसली। मैं और नेक्स्ट कभी, इतना बैड एक्सपीरियंस था मूवी, मतलब मूवी के लिए तो मतलब दिमाग गर्म हो गया था मेरा और रश्मि का, बहुत गंदा मूवी था यार। अक्षय कुमार को पता नहीं क्या हो गया है, कैसी कैसी मूवी बना रहा है, एकदम गंदा मूवी बना रहा है। और यहाँ पे ख़त्म तो हो गया था, चलो चलते हैं। मैं और रश्मि ने सोचा कि यहाँ पे तो चलो मूड ऑफ हो गया, मूवी एकदम गंदा था, खाना एकदम गंदा था, खाना तो हमने छोड़ दिया, तो कहीं घूम के ही आ जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और ये वही सेम मॉल का ही फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गेम जोन एरिया है, मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है ये गेम जोन एरिया में, क्योंकि बच्चों के लिए ना सब कुछ है यहाँ पे, मतलब बच्चे इतने प्यार से खेलते हैं ना फ्रेंड्स के, मतलब उनको जाने को मन नहीं करता। बच्चे क्या, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं थोड़ा सा सोची कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर कर दूं। वैसे तो पहले हम लोग जब छोटे थे ये सब कुछ था ही नहीं हमारे लिए यहाँ पे, लेकिन अभी के जो बच्चे हैं यहाँ पे भवानीपाटना में बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत सारे मतलब ऐसे गेम जोन्स हो गए हैं जहाँ पे उनके एंटरटेनमेंट के लिए खास करके बहुत सारी ऐसी जगह हो गए हैं जहाँ पे पेरेंट्स उनको लेके जा सकते हैं, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पार्क वगैरह हो गया है। लेकिन यार हम लोग जब छोटे थे कुछ भी नहीं था हमारे लिए ऐसा, और हम लोग वैसे भी घर पे ही खेला करते थे फ्रेंड्स, भाई बहन इन लोगों के साथ ही हम लोग खेल के बड़े हुए हैं। और ये सब गेम जोन हम लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था भवानीपाटना में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और इसीलिए शायद हम लोग बहुत एक्टिव भी रहते थे, बहुत खेलते थे फ्रेंड्स हम लोग। और यहाँ पे रश्मि मैडम ये, इसका भी मुँह सूख गया है, मेरा भी वही हाल है, बस वही पार्क जाएंगे करके सोच रहे हैं। लेकिन आज का दिन इतना ख़राब गया है ना फ्रेंड्स, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत ख़राब गया है आज का दिन। और ये मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना फ्रेंड्स, मेरा गला अभी भी ख़राब है, 1-1.5 महीना हो गया मेरा गला आप लोगों को ऐसे ही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि गला गया हुआ है, बैंड बज गया है मेरे गले का। और धूप भी हो रही थी फ्रेंड्स, ये 5 बज गया था शायद, 5:30 ऐसे हो गया होगा। और बस हम लोग निकलेंगे, कैसे यहाँ से निकलें, वैसे ही हम मतलब दिमाग ख़राब हो गया था, चलो यार कहीं पे घूम के आते हैं करके। खाना भी अच्छा नहीं मिला ना फ्रेंड्स, अगर खाना भी अच्छा मिल जाता तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता,
और ये मॉल का एंट्रेंस है फ्रेंड्स, आई लव कलाहंडी लिखा हुआ है जो कि बहुत पसंद है हम लोगों को, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और ये हम लोग पार्क जा रहे थे फ्रेंड्स, आप देखिए थोड़ा सा मतलब वैसा नज़ारा यार बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब टाउन एरिया में जहाँ अर्बन एरिया में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, हमें तो मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए, और इसीलिए थोड़ा सा कैप्चर कर ली। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेजिडी हो गया है, आज ब्रिज नीचे से धस गया है, दो कार वहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ था। हम लोग ये पार्क जाने के रास्ते में ही है, मतलब इसको लग के ही पार्क है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं कि ऐसे मतलब गाड़ी भी देखिए एक उल्टा हो गया था, एक गाड़ी मतलब आगे से पूरा डैमेज हो गया था, क्या करें मतलब। फिर हम लोग घर आ गए थे फिर ये, और पार्क जाना कैंसिल हो गया यार, लेकिन ज़्यादा इंजोर नहीं हुआ कोई, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लगा कि नहीं, अगर कोई सीरियस इंजोर बात होती ना तो हम लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये घर आ गए थे, मैं और रश्मि, ये वरुण थे, और कॉफ़ी बनाए, और रश्मि मैडम को तो बोल बोल के थक गई, उनको कॉफ़ी पीना ही नहीं था, और क्योंकि हम लोग वहाँ पे कॉफ़ी पी के आए थे एक्चुअली मॉल से, तो वहाँ पे कॉफ़ी अच्छा मिलता है मॉल पे, लेकिन जहाँ से हम लोग ऑर्डर किए थे ना सैंडविच, घटिया एकदम गंदा था यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं घर आई हूँ, 9 बज गया है, रश्मि के घर थोड़ा गए थे, वरुण आ गए थे लेने वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आंटी से भी बहुत दिनों के बाद मिले तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को भी। और आज तो और भी बहुत कुछ प्लान था, लेकिन आज का मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया हम लोगों का, जो प्लानिंग किए थे हम लोग पार्क जाने का, लेकिन चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिखाया एक क्लिप, वहाँ पे एक ब्रिज है जो कि मतलब धस गया था, तो टूट गया था ब्रिज, तो इसी के लिए मतलब हम लोग पार्क नहीं जा पाए, लेकिन निकले तो थे पार्क जाने के लिए, और वहाँ पे बस इतना भीड़ था ना, और हम लोग पार्क जा पाते लेकिन बहुत भीड़ था, रस इतना था ना, तो इसीलिए हम लोग रिटर्न करके फिर आ गए थे घर, और घर पे थोड़ी देर बैठे, फिर मैं रश्मि को छोड़ने गई थी। और आज वैसे ही टाइट टाइट लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बहुत, मतलब दिन भर थोड़ा बिजी शेड्यूल ही था आज सुबह से, और आज भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बात भी नहीं की थी, और सोची कि थोड़ा सा आज वीडियो भी मतलब घर जाके ही एंड करूँगी, तो बस इसीलिए ही मैंने अभी स्टार्ट कर दिया अभी शूट करना, कि चलो वीडियो भी एंड कर देते हैं, आज का ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। और मूवी देखने गए थे हम लोग राम सेतु, लेकिन इतना बोरिंग मूवी फ्रेंड्स, इतना बोरिंग, मतलब रेटिंग अगर पूछोगे ना 5 में से मैं शायद 1.5 2 भी नहीं दूंगी मैं, इतना ख़राब था। और 2-3 बार तो जनरली मैं और मतलब रश्मि हम लोग उठने वाले थे कि चलो अभी तो चलते हैं यार, बोर लग रहा है, लेकिन बस लगा कि थोड़ा सा मे भी कुछ चेंजेस आएगा, कुछ अभी तो कुछ अच्छा दिखाएगा, लेकिन पूरा मूवी एकदम बकवास था। अक्षय कुमार को देख के ही हम लोग गए थे कि अच्छा मूवी होगा करके, लेकिन इतना ख़राब था, बाप रे यार मूड ही ऑफ हो गया। फिर हम लोग पार्क जाने का सोचे, फिर पार्क भी नहीं जा पाए, ऐसे इंसिडेंट हो गया था, तो वही है सब प्लान हम लोगों का कैंसिल होके, बस कुछ नहीं, अच्छा बस रश्मि और मैं थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किए वहाँ पे। आज खाना भी हम लोग वहीं पे खाने वाले थे, लेकिन इतना गंदा खाना था ना फ्रेंड्स, आज हम लोग जहाँ पे खाए मतलब खाना जहाँ से हम लोग ऑर्डर किए थे, पिज़्ज़ा तो इतना घटिया था, सैंडविच तो और ही घटिया था फ्रेंड्स, लेकिन चलो कुछ नहीं, मैं और रश्मि थे तो थोड़ा सा टाइम पास हो गया, टाइम स्पेंड अच्छे से हो गया हम लोगों का। और आज का ये ब्लॉग भी और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगी फ्रेंड्स, इसको यहीं पे एंड करूँगी, और आज का ये छोटा सा मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे चल के मेरे अपने वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंस्टाग्राम में भी मुझे जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहती हूँ, और कुछ क्वेरीज हो मुझे लेके या मेरे वीडियोज रिलेटेड कुछ भी, या फिर कुछ सजेस्ट करना है तो मेरे मेल आईडी पे आप लोग जरूर कर सकते हो, मेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहती हूँ। और आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।